हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज हम लोग का लाइव क्लास 21 है, 21वां क्लास है, और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन के देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू किया जाए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखते चलिएगा। श्याम जी, शो हो रहा है स्क्रीन? जी सर, हो रहा है। ठीक है, ओके। चलिए इंग्लिश में कल हम लोग 15 तक आई थिंक कर चुके थे ना। जी सर, 15 तक हो गया था। 15 से आगे देखिए, जो लोग कह रहे थे समय कम पड़ता है, क्लास कम होती है, मैं अपने तरीके से कितना करूँ, अपनी तरफ से पहले से आके वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी लोग ज्वाइन नहीं हुए, पता नहीं क्या चक्कर है। दो क्लासेज, एक 8:30 बजे और एक 10 बजे, दो क्लासेज का लिंक ऑलरेडी भेज चुका हूँ। चलिए, जो लोग आए हैं कम से कम उनका तो भला होना ही चाहिए ना, जो नहीं आए नहीं आए। ठीक है, 15 तक हो चुका था, नेक्स्ट 12, 13। अच्छा, एजिटेट और मिटिगेट का कल मालूम चल गया था ना, जी एजिटेट का बताया था, क्या था? एजिटेट का श्याम जी बताइए, एजिटेट और मिटिगेट दो वर्ड थे ना एंटोनी में दोनों। मिटिगेट का सर था। मिटिगेट टू मेक समवन फील वरीड और एंग्री है, एजिटेट का, सॉरी एजिटेट का। और मिटिगेट का था किसी बात की गंभीरता। मतलब क्या हुआ एजिटेट का, किसी को गुस्सा दिलाना? हाँ, गंभीर हो जाना। चलिए, यही था ना 15 नंबर जी क्वेश्चन, देखिए। जी जी एजिटेट, जी ऐसी कंट होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं मोबाइल में भी ओपन कर लूँ ऑप्शन ताकि बता दूंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेट अ सेकंड, और बाकी टाइम में आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये बताइए पहले। हाँ, पढ़ रहे सर? ये क्लासेस तो चल ही रही है। वोकैब का आज वाला वीडियो देखा आप लोगों ने? वोकैब हाँ तैयार सर, कर, देख, आज वाला हाँ नहीं देखा अभी, वो सेकंड वाला देख लिया है, और वो वाला भी आधा ही रह गया है, वो भी देख रहे थे। वो कंप्लीट करते चलिए पर डे के हिसाब से, उसमें जी आपको सर, फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पर डे वीडियो आती रहेंगी ना, तो फिर जी बर्डन बढ़ जाएगा, फिर एक टाइम मन करेगा अरे यार इतने पीछे चल रहे हैं छोड़ ही देते हैं, तो वो फीलिंग ना आए, करते चलिएगा साथ में तैयार। देखिए यही अंतर है ना, बताने वाला सबको वही होता है, किताब वही होता है, जी डिपेंड कि जी यहाँ क्या कर रहा है, सिलेक्शन वो उसी का उसको, होगा जो हाँ सीरियस होगा, हाँ जो सीरियस हाँ रहेगा उसको उसी का अनुकरण सिलेक्शन जो होने वाला करेगा। है, जो इस चीज़ को जी सीरियसली लेगा। किताब सबके पास वही है, लेकिन जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ लोग पढ़ने से कोताही करते हैं, अब बाद में कहते हैं कि जी हमारी जी एज निकल गई, हमें सिलेक्शन नहीं हुआ, जी हम पढ़ नहीं पाए, है ना, या हमारे टीचर ने मार्क्स काट लिए, इस तरीके से नहीं हुआ। देखिए वो सब एक मैटर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जेनुइन होता है वो चीज़ें, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़ को, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान साथ के साथ पर डे बेस पे तैयारी करता चला जाएगा, चाहे वो खुद से तैयारी कर रहा हो, उससे बहस नहीं है, तो उसकी तैयारी अच्छी होगी और वो सिलेक्शन पाएगा। और जो कल के लिए छोड़ता है कि चलो कोई बात नहीं है, बाद में देख लूंगा, क्लास नहीं यूट्यूब पे देख लूंगा, क्या पता कुछ टाइम के बाद कोई क्लास में यूट्यूब पे ना डालूं। जी सर, अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो जो लोग क्लास में आएंगे फिर वो सीखें, सीधा ऑन क्लास लें। तो बहुत लोग यूट्यूब के भरोसे रहते हैं कि बाद में देख लूंगा, लेकिन बहुत की लाचारी भी है, किस टाइम पे जॉब है उनका है, इसी वजह से यूट्यूब पे डालता हूँ कि चलिए जो क्लास में नहीं आ पाए कम बाद से कम वो भी वहां देख के सीख ले, है में ना। जी सर। चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, कैसे भी सब लोग सीखते रहें पढ़ते रहें, बस हो गया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। 16th नंबर, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, एक भी इंसान अगर आ जाए, नहीं भी आए तो भी दिक्कत नहीं है, अपना को जो कराना है वो कराएंगे। पैसिव फॉर्म इसका बताना है आपको, ठीक है, एक्टिव दिया हुआ है। अभी तक हमने क्या देखा था कि पैसिव से हमें एक्टिव एक्टिव निकालना लेना था, था। लेकिन अब एक्टिव से पैसिव पूछा है। चलिए देखिए ऑप्शन बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव चूज, सॉरी पैसिव चूज करना है। फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, द स्कूल नॉट ओनली फाइंड हिम बट ऑल्सो एक्सपेंड एक्सपेल्ड हिम फॉर हिज फॉर मिसबिहेवियर। क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर?
जी सर दिख रहा है। हाँ बताइए इसका पैसिव बताइए। द स्कूल नॉट ओनली फाइंड हिम बट ऑल्सो एक्सपेल्ड हिम फॉर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर को हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो, क्योंकि तो ये सब चीजें आपको सीखते रहने चाहिए। अव्यवहारिक, अव्यवहारिक या अभद्रता कह सकते हैं, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक दुर्व्यवहार, मिसबिहेव जी, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार ठीक है एग्जैक्ट को वर्ड अव्यवहारिक कहते हैं। मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार की वजह से, ठीक है। और एक्सपेल्ड को क्या हो स्क्रीन शेयर जाएगा, नहीं हो रहा भैया क्यों? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। कोई कह रहा है अभी क्लास हो रही क्या? अरे जाने दीजिए, जो लोग अभी सो के उठेंगे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर दिख रहा है। हाँ ठीक है। किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? अगर नहीं दिख रहा तो आप रिज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है यहाँ पे। हाँ बताइए इसका क्या होगा फटाफट। अच्छा एक्सपेल्ड को क्या बोलेंगे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कुछ ट्रांसलेटर एग्जाम्स में उसमें डायरेक्ट वर्ड का मीनिंग पूछ देता है, या जब आप निकल जाना ट्रांसलेट या छलक में एक्सपेल्ड हो जाना, निकलना एग्जैक्ट या वर्ड, छलकना देखिए एक्सपेल्ड। हमेशा कोशिश करिए एग्जैक्ट वर्ड फाइंड करने की, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपको हूबहू उसका वर्ड लिखना होगा। जितना सटीक लिखेंगे उतना रिलेवेंट आपको, मतलब उतने मार्क्स मिलेंगे। एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए श्याम जी, उत्कर्ष जी बताइए क्या होगा। एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड होना देखिए हो आप मेरे सुने होंगे लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। निष्कासन जी, होता है, वो निष्कासित कर निष्कासन दिया गया, वही ठीक निकलना जी, एक्सपेल्ड कर दो है। देखिए वर्ड तो बहुत है, डिस। आप ये हमें मालूम है कि आप उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट करने की बारी आती है ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए इसका क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ इसका अगर आप ट्रांसलेशन भी सीखते चलेंगे ना तो आपको पेपर टू की भी तैयारी हो जाएगी यहीं पे। एक तीर से कई निशाने हम लोग लगाएंगे। चलिए बताइए, द स्कूल नॉट ओनली फाइंड हिम, यानी विद्यालय ने न सिर्फ उस पर क्या लगाया, फाइंड को क्या बोलते हैं, शुल्क, दोष लगाना, फाइन लगाना, कह सकते हैं क्या बोलेंगे इसको, किसी उस पे दोष लगा देना, या मतलब उस पे लान साथ ही उसे क्या किया, निष्कासित भी किया उसके दुर्व्यवहार की वजह ठीक से। इसी को है। और सही ढंग से हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा इसका पैसिव बताइए। अच्छा सूरज जी आ गए हैं क्या आप? सूरज जी का मैसेज है, सॉरी भैया आई एम टू लेट। कोई बात नहीं, सूरज जी आ चुके हैं तो बताइएगा, आवाज दीजिए, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ कौन कौन लोग हैं नहीं है, वैसे चाहूँ तो देख भी जी सकता हूँ भैया वैसे। नमस्कार, भैया नमस्कार नमस्कार। सूरज जी, आपके वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान रख के 8:30 बजे क्लास किया गया है। भैया आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हाँ आपको पता है मुझे कि मालूम है, बिल्कुल इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल 8 बजे से रखने वाला था, फिर ध्यान आया कि नहीं चलिए जो पढ़ने वाले हैं कम से कम उनकी बातों को तो तवज्जो दिया जाए। चलिए काम करते हैं, अपने इस पे आते हैं, जी पैसिव पे आते हैं। बताइए क्या भैया। होगा पैसिव इसका। द स्कूल नॉट ओनली फ्रेंड हिम बट आल्सो एक्स नेड फॉर हिम, भैया ये आ रहा है कुछ फॉर के बाद मिसबिहेव। थोड़ी हाँ ठीक है, सर अब ठीक है। भैया। हाँ क्या हो जाएगा बताइए। द स्कूल नॉट ओनली फाइंड हिम बट ऑल्सो एक्सपेल्ड हिम फॉर मिसबिहेवियर। समय कम लेना है। अच्छा इसका क्या है बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम हिम, जी, तो अब इसको पहले जी का सब्जेक्ट बनाइए, जो हम पैसिव बनाएंगे उसमें इसको सब्जेक्ट सर बनाएंगे, उत्कर्ष जी समझते चलिएगा। इसमें और यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे सब्जेक्ट, स्कूल ने क्योंकि काम जी किया है तो पैसिव जी वाले में इसको हम ऑब्जेक्ट पे जाने देंगे, यानी ऐसे बन जाता है क्रॉस, जो इसका जी लास्ट अच्छा, होता है मतलब नीचे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वो उसका ऑब्जेक्ट का पहला चला सब्जेक्ट। जाएगा, और जो इसका यहाँ पे पहले है नीचे में वो उसका लास्ट में जाएगा, समझ रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हीम है तो हीम के जगह पे क्या होगा, ही, ही ठीक है। अब क्या टेंस का मिसबिहेव देखिए, कौन सा टेंस है इसमें, इसमें है। फाइंड 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 नॉट ये तो क्लियर है भैया, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट तो अब क्या हो जाएगा, जी। उसी हिसाब से इसको चेंज करिए, क्या हो जाएगा। वाज हाँ बिल्कुल लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, में जाएगा, वाज हाँ ही वाज अब यहां से शुरू ही करिए। वाज नॉट हाँ हाँ सही है, ही वाज नॉट
फॉर मिसबिहेव ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, ठीक है, ओनली फाइंड ही वॉज, उसे सिर्फ फाइन ही नहीं किया गया, ठीक है, बट ऑल्सो एक्सपेल्ड, फाइन ठीक है, बट ऑल्सो, बट द जी स्कूल, अब देखिए यहां पे कौन एक्सपेल्ड किया उसको, यहां से आ जाएगा, बट के बाद यहां से शुरू करेंगे, बट द स्कूल ऑल्सो एक्सपेल्ड हिम फॉर हिज फॉर मिसबिहेवियर, उसे सिर्फ फाइन ही नहीं किया गया बल्कि स्कूल ने उसे उसके मिसबिहेवियर के वजह से बाहर भी किया है। ऑप्शन देखिए ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए हम पहले सही ऑप्शन को देख लेते जी हैं, थर्ड है, ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट भैया ओनली फाइंड, ठीक है, यहां से दिख रहा है ना ये चीज, जी बाई द स्कूल बट ऑल्सो एक्सपेल्ड फॉर मिसबिहेवियर, ठीक, अरे वाह, यू का जी हाईलाइट भी हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा लगा ऐसा भैया हाँ ठीक है, ये देखिए सही है। अब यहाँ पे ये देखिए, सर ही हमें फाइंड यहाँ पे जो है ये वॉज इसी की वजह से लगाया गया की जगह से, ही की वजह से, जी। अच्छा, अब नहीं हिंट तो अपर, चेंज हो गया अब यहाँ पे देखिए, अब ही वॉज नॉट जी ओनली फाइंड, क्योंकि इसके साथ जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो पहले सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। जी अब दूसरे ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिए, क्यों नहीं होगा, द स्कूल नॉट ओनली फाइंड हिम, अब देखिए यहां भी द स्कूल था, जी प्रेजेंट यहां भी द स्कूल था, ये था ना यहां पे द स्कूल, में हाँ, और यहां पे भी क्या, जी ऑप्शन में भी सबसे पहले, अब देखिए यहां पे, ये सॉरी, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही था, हाँ पहला ये ऑप्शन क्या क्वेश्चन ही है है, भैया ही इज, ये अच्छा ही इज है, अब एक बात प्रेजेंट बताइए, यहां पे में है फाइंड है, यहां पे, यहां पे क्या है, फाइंड है, फाइन ठीक है, लेकिन यहां पे क्या इज हो पाएगा फिर उस हिसाब से, अगर हम पैसिव में अगर नहीं इसको होगा चेंज कर रहे नहीं हैं, होगा ये वाला इज यहाँ पे होगा क्या, नहीं भैया ये इज नहीं होगा क्या, होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, होगा फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा तो हो गया कैंसिल गलत है गलत होगा क्योंकि ये प्रेजेंट हो में गया, बराबर ठीक है, जी डी सेलेक्ट हो जा भैया, 1 मिनट, ये क्या हुआ, खत्म कहाँ से होगा, हाँ चलिए ठीक, तो ये तो होगा नहीं, पहला होगा नहीं, सेकंड पे आते हैं, सेकंड जो है आपका है, ही वॉज नॉट ओनली बी इसमें बी आ गया भैया बी, नहीं अभी देखिए, क्योंकि ही विल बी है तो तो लगाते विल हैं तो होगा बी क्या, नहीं बिल विल होगा क्या यहाँ नहीं पे, होगा विल सर बिल नहीं क्योंकि विल भी नहीं होगा, फ्यूचर ये सर फ्यूचर में है में आ गया, थर्ड तो देखिए हम तो जी सही टिक लगाए ही हम लोग, चौथा देखिए क्यों जी नहीं होगा, फाइंड की जी अब जी ही हैज नॉट, तो हैज हैज किस में यूज होता है, नॉट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में सॉरी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में जी प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, तो क्या कभी ये जी पास्ट वाला जी प्रेजेंट में चेंज होता है पैसिव में, नहीं 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 होता, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, जी क्लियर है, जी और सर हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, ये कर्सर इसका कहाँ पे जाएगा, वेट, नॉट नो वेट करिए 1 मिनट, जरा फिर से ओपन कर लो इसको, तो पैसिव में कभी भी जो है टेंस का जरूर ध्यान रखेंगे हम लोग, ये खुल जा भैया, क्यों नहीं खुल रहा, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों का, हाँ जी सर जी आप देख रहे हैं अभी वो जी आप भी, 1 मिनट, हाँ आप खुल गया, अरे पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो गया था एक, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, क्वेश्चन और बताइएगा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17 17, 18, 18 था, 17 18 17 18 था इंग्लिश में 18, 18 क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट,
16 हो गया, 17 देखिए, दिख रहा है स्क्रीन ना? नहीं भैया स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक मिनट रुकिए, शेयर कर दो, वेट 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 वेट, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, हाँ है ना? ये नंबर हाइट भी हो सकते हैं जो ये 1-2 टिक क्रॉस करके बना है कौन स्क्रीन सा? पे, ये जो शेयर करें ना सर, ये शायद हाइट भी हो जाते हैं, जैसे 1-2-3, कौन सा ऑप्शन सही है गलत है पता नहीं, इसका देखना पड़ेगा मुझे, उतना इसका आइडिया नहीं है। चलिए देखिए, तब तक क्वेश्चन देखिए, इसको बाद में सीख लिया जाएगा फिर से, ठीक है? अभी तो बहुत लंबा टाइम है। हाँ हाँ धीरे धीरे, चलिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट, इसमें एरर फाइंड करना है आपका, कौन सा एरर है, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ, बताइए। ओहो हो, दिख गया सर, वही आंसर दिख गया। कोई बात नहीं, भूल जाइए। नॉट ओनली डिड सी शेल हिज हाउस बट एज वेल एस्कॉन्डर्ड हिज फादर्स मनी। ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है आपको, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, नॉट ओनली के साथ क्या यूज होता है, ध्यान रखिएगा उस पर आपका काम। बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, तो क्या यहाँ पे बट ऑल्सो है? नहीं, बट एज, है ना, यहाँ पे बट एज वेल है। तो अब देखिए पार्ट जो है ऑप्शन में, सीधी बात है, इसी में प्रॉब्लम है जी, है कि नहीं? यानी फर्स्ट वाले में ही दिक्कत है, क्योंकि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है, क्लियर है? जी भैया। अच्छा अच्छा और लोग धीरे धीरे जुड़े हैं बाद में, शिखा जी, मुकेश जी, वन्ना जी, थोड़ा टाइम से आया करिएगा आप लोग कल से, ठीक है? 8:30 बजे की क्लास है, 8:30 बजे ज्वाइन हो जाइएगा, और दूसरी क्लास 10 बजे से रहेगी, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है आपको, बताइए। वी आर गोइंग, दिख रहा है क्वेश्चन? जी जी, वी आर गोइंग फॉर अ स्विम इन द गंगा इफ यू लाइक इट और नॉट, ये क्वेश्चन है आपका। टू स्विम होगा, मैं क्या होगा? स्विमिंग इन द गंगा, फॉर ए स्विमिंग नहीं होगा, गोइंग टू होगा भैया। पार्ट बता रहा हूं, किस किस पार्ट में एरर डिफाइन करिएगा। वी आर गोइंग पहला ऑप्शन, सेकंड इफ यू लाइक इट और नॉट, थर्ड नो एरर, फोर्थ फॉर अ स्विम इन द गंगा। फॉर अ स्विम इन अ गंगा एरर है, क्या एरर? फॉर अ स्विम इन गंगा, इसलिए कि फोर, बताइए भी, सोचिए क्या दिमाग में चला, ये भी बताइएगा मुझे। टू स्विम, यू आर गोइंग टू स्विम इन गंगा, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से पहला देखिए, वी आर गोइंग में कहीं फॉल्ट लग रहा है आपको? नहीं, इफ यू लाइक इट और नॉट में कहीं गलत लग रहा है? सोचिए जरा सेंटेंस पे, और एक और ऑप्शन है, फॉर अ स्विम इन द गंगा, फॉर अ स्विम इन द गंगा, क्या गलत लग रहा है? यही लग रहा है, तैरने के लिए जा रहे हैं गंगा में, इसमें क्या दिक्कत है? टू कहते तो तैरने को जाते, वो भी हो सकता था, लेकिन ये गलत है, ये प्रूफ करना है ना, उसके जगह सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना पूछ रहा है, गलत कैसे ये देखिए आप। अब देखिए इफ और वेदर दो चीजें होती हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे, सोच के देखिए आप। वेदर चाहे आप पसंद करो या ना करो, है ना, जहां पे रॉन्ग पार्ट है आपका यही, इफ यू लाइक इट और नॉट, ठीक है? तो यहाँ पे इफ की जगह पे क्या होना चाहिए था, वेदर, हो सकता है। चलिए आगे बढ़े,
समय कम है Whether you like it or not. हाँ अगला देखिए ये अरेंज करना है, इसमें दिखाता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, वही S1 वाला और फिर चार ऑप्शन रहेंगे, फिर लास्ट में S6 रहेगा. मालूम होगा किस तरह के आते हैं. देखिए ये आपका रहा क्वेश्चन, S1 दिया हुआ है, और ये S6 है. देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इस पे हम लोग समय नहीं देंगे अभी ज्यादा, क्योंकि कल मैंने बताया था इसको कैसे करना है. ठीक है, ये आराम से किया जा सकता है, इसमें कुछ है नहीं कि यही पूछेगा इस तरीके से. क्वेश्चन आते हैं ये आप देखिए बस. जैसे पहला है, द ट्रोजन वार इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वार्स इन द हिस्ट्री. ट्रोजन वार कोई है वो इतिहास में काफी ज्यादा प्रसिद्ध ये है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में है, टू टेक रिवेंज ऑन दोज हु हैड स्लाइटेड हर इट इज डिसाइडेड टू कॉज अ स्किरमिश. फिर क्वेश्चन पे लास्ट वाला लाइन है, फर्स्ट के बाद देखिए कौन सा फिट हो सकता है, द ट्रोजन वार के बारे में चर्चा की गई है. अब वाट में नॉट बी फैमिलियर, पहला वाला तो मेरे ख्याल से नहीं होने जा रहा है. ये इट इट से होगा. ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, पहला बता रहा हूँ. ऑप्शन में सबसे पहले सी है, फिर सेकंड वाले ऑप्शन का पहला है ए, फिर सी, फिर ए. यानी अब आप देखिए ऑप्शन में देख लिए हम कि पहला लाइन क्या हो सकता है, या तो सी नहीं तो ए. तो अब बाकी हमें बी और डी पे सोचना ही नहीं है. ठीक है, तो अब सी देखिए, अब पहला के बाद सी आ सकता है या पहले के बाद सॉरी ए आ सकता है, क्या आ सकता है देखिए, दोनों पढ़ के देखिए. इसके बाद सी पढ़ के देखते हैं पहला. इट वॉज नोन ऑफ द टू. अच्छा देखिए ए पढ़ के देखिए पहले, आप पहले ए पढ़ के देखिए क्या ए इसके बाद फिट हो रहा है. एस वन के बाद क्या ये ए वाला फिट बैठ रहा है, ये पढ़ के देखिए तो लगातार सिक्वेंस में लग रहा है. नहीं 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 लग रहा है. अब पहले के बाद सी आप पढ़ के देखिए, इट इज वेल नोन फॉर 10 ईयर ड्यूरेशन. अब है ना कहीं ट्रोजन वार के बारे में ही बता रहा है कि वो 10 साल तक चला था और उसके बारे में जाना जाता है, तो ये रिलेट हमारा कर गया. ठीक है, तो अब हम सी वाला ही टिक करेंगे. अब सी में भी दो ऑप्शन है, तो अब सी तो क्लियर हो गया, तो अब दो ऑप्शन ऐसे ही छट गए. मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता है. अब सी के बाद एक ऑप्शन में डी है, एक ऑप्शन में ए है. सी के बाद डी फिट बैठ रहा है या सी के बाद ए फिट बैठ रहा है, पढ़ के देखिए. सी देखिए, it is well known for 10 year duration for the heroism of a number of legendary character and for the Trojan horse. Horse ke bare mein bhi charcha aayi. Ab D padh ke dekhiye. According to Greek myth, the strife between the Trojan and the Greek started at the wedding of, yani do logon ki shaadi ke saath hi in dono ka ladai jhagda shuru ho gaya tha. C ke baad D ye keh raha hai. C ke baad A kya keh raha hai? What may not be familiar, however, is the story of how the war began. क्या कह रहा है ये? अब ये युद्ध से according to Greek myth. C D B A. C D B A या C A D B? C A D B. क्योंकि अब आपको C A D B मैंने अगर बोला है, तो B के बाद आपको S6 भी रिलेट करके देखना है, क्योंकि लास्ट वाले के बाद जो और है, सेकंड लास्ट के बाद लास्ट वाला मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? मिलाएंगे तभी, है ना? तो वो भी करके आप देख लेंगे, क्योंकि अगर दो ऑप्शन है सी वाला, सी का लास्ट ऑप्शन है बी और एक में लास्ट ऑप्शन है ए. तो देखिए बी के बाद एस सिक्स फिट बैठ रहा है या ए के बाद एस सिक्स फिट बैठ रहा है, ये भी आप मिला लेंगे. ठीक है, ऐसे में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, अब आप चूज करके देख लीजिए. ठीक है, तरीका आपको मालूम चल गया ना कैसे करना है, बाकी आप कर जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. पहला और आखिरी वाला फिक्स रहेगा. हाँ, S1 और S6 फिक्स है, लिखा भी हुआ ये चीज, आप पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन इस तरीके से ही आते हैं. क्लियर है जी. अगला क्वेश्चन देख लें, समय कम है फिर भी अगला क्वेश्चन देखा जाए. देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक वर्ड अंडरलाइन है, उसके जगह पे कोई और वर्ड आपको फिट करना है. ठीक है, राइस एक्सपोर्ट, जूम कर दे रहा हूँ, देखिए देखिए ना, राइज के जगह राइज, यानी इंडियाज राइस एक्सपोर्ट्स राइज शार्पली इन द लास्ट क्वार्टर. यानी भारत का जो चावल का जो क्या है एक्सपोर्ट, निर्यात होता है इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट हुआ आयात, और एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है निर्यात, भेजना. तो अब राइज किया है एक्सपोर्ट, यानी बाहर भेजने का क्या है, इंडिया जो राइस भेजता था उसमें काफी ज्यादा उछाल देखा गया है. राइज वही है ना,
बढ़ा है लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर होता है आपका कितने महीने का, राइस मतलब बढ़ोतरी, एक महीना, तीन महीने का क्वार्टर बढ़ोतरी हो गया राइस का मतलब। अब राइस के जगह पे क्या वर्ड आ सकता है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, राइजेन, हैव रोज, नो सब्स्टिट्यूशन, रोज। इंडियन राइस हैव रोज, रोज बढ़ गया है, बढ़ गया रोज, लेकिन रोज रोज नहीं। अच्छा एक चीज समझिए, ये सेंटेंस किस टेंस में है पहले वो फाइंड करिए। अभी तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म में भी है ये, तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, राइज रोज, बस आंसर पर पहुंच गए आप, देखिए राइज रोज, राइजन, राइज रोज, राइज रोज, राइजन होता है। राइज तो कहीं से वर्ड ही नहीं है भैया, कौन बोले हैं, श्याम जी बोले होंगे गुलाब वाला, नहीं ठीक है, देखिए समझिए बात, समझ के नहीं कि राइज तो कोई वर्ड ही नहीं है आपका ऑलरेडी, इसलिए रोज। इस सवाल में किसी को दिक्कत नहीं भैया, नहीं दिक्कत ना, नहीं। चलिए कुछ टाइम बाद अगर मीटिंग एंड भी हो जाए तो आप लोग 10 बजे वाली क्लास में रेडी रहिएगा। जो लोग नए हैं बता दूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आपको क्लास का लिंक होता है। 8:30 बजे से क्लास रहेगी और 10 बजे से क्लास रहेगी, ठीक है, 40-40 मिनट का दो क्लास, क्योंकि लगातार हम चाहें तो कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अगर जूम में आप रिकॉर्ड करते हैं, टेक्निकल कुछ इश्यू है, उसको रिकॉर्ड होकर फिर से कोडिंग होने में, मतलब MP4 में कन्वर्ट होने में आपको 15-20 मिनट का समय लग जाता है, तब तक मीटिंग दूसरा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि एक क्लास 8:30 से जैसे 9:10 तक कर लिए, फिर बीच में अपना खाना पीना खा लीजिए, आप खाना पीना खा के फिर 10 बजे आप रेडी रहिए, ठीक है जी। चलिए एक सवाल और देख लिया जाए क्या, एक और देख लेते हैं, चलिए। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म, आपको सेलेक्ट करना है, सवाल देखते जवाब दीजिएगा। यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग, जो पढ़े होंगे जवाब तुरंत आएगा, आई कॉपी पेन लेके बैठा करिएगा, तुरंत ही सबका लिख के जवाब दिया करिए। आई ऑलवेज कीप्ड वेटिंग बाय यू, इसलिए कह रहा हूं वेट के जवाब मत दीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को फटाक से नोट करके लिख के आंसर करके तब बोला करिए, ज्यादा सही रहेगा। आई ऑलवेज कीप यू वेटिंग, इसका क्या है, यू ऑलवेज कीप मी वेटिंग मतलब तुम मुझे हमेशा क्या करते हो, इंतजार करवाते हो, इंतजार कराते हो। और आपने जो भी आंसर दिया वो क्या था उसका मतलब जरा निकाल के देखिए, इसका क्या होगा चेंज, कि मैं तुम्हारे द्वारा हमेशा इंतजार करवाया जाता हूं, इसका ये होना चाहिए पैसिव। अब क्या होगा, ऑप्शन दो जी, ऑप्शन आई ऑलवेज कीप यू वेटिंग। अब देखिए एक सबसे सिंपल सी बात, यू बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका, और मी जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, क्लियर है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। आई ऑलवेज, तो आई तो पहले आएगा ही, आई ऑलवेज कीप यू वेटिंग, मैं तुम्हें इंतजार करवाता हूँ, आप जो बता रहे हैं उसका हिंदी में जरा कन्वर्ट करके समझ के देखिएगा, कीप्ड आएगा ना, आई ऑलवेज कीप्ड, केप्ट, 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 हां ठीक है, वर्ब का थर्ड। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे रहा हूं, आई हैव ऑलवेज बीन केप्ट वेटिंग बाय यू, हैव आएगा क्या, नहीं, सेकंड ये तो यू आर ऑलवेज केप्ट वेटिंग बाय मी, नहीं नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यू यहां भी है वो वहां भी होगा ही नहीं, समझिए एलिमिनेट कर, आई एम ऑलवेज बीइंग केप्ट वेटिंग बाय यू, बीइंग आएगा क्या, बीइंग नहीं, बीइंग केप्ट नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं। और चौथा, आई एम ऑलवेज केप्ट वेटिंग बाय यू, ये सही